सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी मेरा निजी पक्ष नहीं है, क्योंकि जो परसों की घटना है उस पर मैं अपने चुनाव ड्यूटी में एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहा था। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे रोड को रोका गया था और मतदान का थोड़ा बहिष्कार चल रहा था। तो क्योंकि मैं अपनी प्रशासनिक ड्यूटीज़ पे था और चुनाव आयोग के और जो माननीय मेरे जो सीनियर अधिकारी हैं, जो उनके ऑन रिकॉर्ड जो हमारी सरकारी ड्यूटी होती है, हम उसी की पूर्ति वहाँ पे कर रहे थे। तो निजी तो इसमें कोई किसी प्रकार के मेरे विचार हो ही नहीं सकते। तो हमने वहाँ पे अपनी एक राजकीय कर्तव्य की पूर्ति की। एक सवाल ये उठता है कि जिस वक्त घटनाक्रम हुआ, क्योंकि आप ऑन ड्यूटी थे जी, और जो थप्पड़ मारा है कतई न्यायोचित नहीं माना जाता, इमीडिएटली उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हाँ, इमीडिएट जो अरेस्ट करने की जो एक जो प्रक्रिया रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नरेश जी इसमें खुद एक वो चुनाव लड़ रहे थे वहीं से। तो एक ये एक सामान्य प्रशासनिक एक व्यवस्था है कि अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसमें एक उनकी कोशिश रहती है कि वो अपना जो पूरा जो पोल का जो टाइम है उसको वो अच्छे से यूटिलाइज करें और अपना उनको एक फेयर चांस मिले। तो जहाँ तक जो प्रशासनिक व्यवस्था रही उसमें यही एक कोशिश रही कि वो 6 बजे जब चुनाव पूरा ख़त्म हो जाए। और एक दूसरी समस्या ये भी रहती है कि क्योंकि प्रशासन का जो मेन और जो हमारे पूरी मशीनरी का जो मेन उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं केवल चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से उस, क्योंकि आपने देखा कि जो भी उसमें जो न्यायिक कार्यवाही है वो तो उसके बाद भी जस्ट हुई, लेकिन एक सब पहला प्रयास प्रशासन का ये था कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, जो कि आपने देखा कि एक शांतिपूर्ण संपन्न हुआ भी। लोगों का कहना है कि धरना पे बैठे थे, उनकी सिर्फ इतनी डिमांड थी कि भाई DM या SP आ जाएं, हम उनको ज्ञापन दे देते, बात खत्म हो जाती। तो प्रशासन स्तर पर इस पर चर्चा नहीं की कि कम से कम आई जाते तो ये विवाद ना उठता। अभी हमारे जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं उन्होंने भी एक ये बात को रखा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि विधानसभा में करीबन 300 बूथ होते हैं और ये बात कहीं से भी आ सकती है कि वहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट साहब और SP साहब वहाँ पहुँचे। तो ये संभव भी नहीं हो पाता कि क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमें लगभग हम 10 RS अधिकारी उस विधानसभा में काम कर रहे थे, जिसमें 7 एरिया मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे थे, इसके अलावा RO, AR और पूरी जिला मशीनरी उसमें। तो वो हमारे जो कलेक्टर मैडम हैं उन्हीं के निर्देशन में ही वहाँ पे काम होता है, तो उनकी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो वो व्यक्तिगत रूप में उनकी, और चुनाव के दिन तो क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और बहुत सारी सूचनाएं माननीय आयोग को भी भेजनी होती हैं, तो उसमें मजिस्ट्रेट साहब की एक भूमिका रहती है, तो शायद ये रीजन रहा हो। आपने खुद FIR लॉन्च कराई है? बिल्कुल, क्योंकि घटना मेरे साथ सीधे ही हुई है और आपने वीडियो में बिल्कुल क्लियरली देखा ही है, तो मैंने बिल्कुल मेरे जो पक्ष था और जो एक्चुअल जो पूरे दिन की घटनाएं थी उनके बारे में FIR आपके सामने वो आ भी गई होगी। सर, एक आरोप लगा रहे हैं नरेश मीणा कि आपके द्वारा फर्जी वोट वहाँ डलवाए जा रहे थे और आपको थप्पड़ मारा, तो इसका उन्हें कोई अफसोस नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने सही थप्पड़ मारा है। ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी और अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो वो अपने बचाव के लिए कोई भी आरोप किसी पर लगा सकता है, लेकिन मैं अपने SDM एरिया मजिस्ट्रेट में अपनी ड्यूटी पे था और जिन लोगों ने भी वोट किया वो सब अपने अपने वेल जो समझदार लोग थे, सब अपने वोट मत का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इसमें ये बात कहाँ से आ जाती है कि मैंने कोई ज़बरदस्ती किसी से वोट डलवा दिया, ये तो संभव ही नहीं। हम तो हमारी राजकीय कर्तव्य को निभा रहे हैं। अब आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है, आरोप आप प्रूव करो ना, कुछ भी आप कोई बात को प्रूव करो भाई, आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है ना। बीइंग अ विक्टिम, आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस? नहीं, मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं इसमें विक्टिम अपने आप को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना प्रशासनिक कार्य कर रहा था और उसमें विक्टिम होने जैसी बात है ही नहीं। जो भी वो एक आपराधिक गतिविधि हुई वो केवल आप उसको केवल मेरे साथ हुई ऐसा नहीं है, मेरी जगह कोई भी SDM या कोई भी वहाँ पे अधिकारी होता उसके साथ भी वो घटना हो सकती थी, तो इसमें एक विक्टिम वाली कोई बात है। आप मांग करते हैं पुलिस से कि कड़ी कार्रवाई करे, किस तरह की कार्रवाई? नहीं, आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है, लगातार उसको जो संबंधित है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी 100%। कानून का तो यही रहता है कि भाई वो पूरी तरीके से उस पर कार्रवाई। मामला आपसे जुड़ा हुआ है, पूरा टोंक जल रहा है, पूरा देवली जल रहा है, उनियारा जल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उनको आप? मैं तो सौहार्द, क्योंकि अभी हमारे जो आपने सुना भी होगा कि जो अभी वो एक दिन की जो घटना थी उसके बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई भी जो हिंसा की घटनाएं अभी नहीं हुई है और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं कि पूरा टॉक एकदम शांतिपूर्ण तरीके से है। और ये जो घटना भी जिन लोगों के द्वारा की गई थी वो ज़्यादातर बाहरी लोग थे जिनको
गिरफ्तार भी कर लिया गया पुलिस के द्वारा और उन पे नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। सर आप जी क्या बैठक में कुछ ऐसा भी हुआ है कि पैन डाउन हड़ताल खत्म नहीं किया जाए, कुछ लोगों ने विरोध भी दर्ज करवाया? इसमें ये तो एसोसिएशन की इन हाउस मीटिंग थी, वो तो एक चर्चा का पार्ट है जो माननीय हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं खराड़ी जी, उन्होंने आपको बता ही दिया है। बाकी जो डिसीजन है वो भी अध्यक्ष साहब के द्वारा ही किया जाना है चर्चा के बाद, तो उसमें मेरा बिल्कुल 100% हम हमारे अध्यक्ष के प्रति पूरा एसोसिएशन उनके पीछे है, पूरे आरएस अधिकारी उनके पीछे हैं और राजस्थान के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी संगठन हैं वो भी इस बार एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल उनमें पूरा पूरा विश्वास है। एक सर ये लोकल असेसमेंट इस बात का हो रहा है, सवाल उठ रहा है कि आप SDM हैं और चूंकि धरना के बाद बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आया था, क्या इंटेलिजेंस एज्यूम नहीं कर पाई थी कि इतना बड़ा घटनाक्रम होगा? दूसरी बात, जब इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तो फिल्मी स्टाइल में एक बंदा आता है बुलेट से और वहाँ पर फिर उसी मन से ललकारता है और कहता है कि जो किया सही किया, तो इसमें प्रशासन मैं इस संबंध में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे जो दायरे से बाहर की बात है और एक बहुत ही अच्छा जो भी हमसे पुलिस और प्रशासन से जो उस स्थिति में जो बेस्ट बन पाया था वो किया भी है और आपने देखा भी है।